विश्वासघात आज का मुद्दा काफी संवेदनशील है क्योंकि आज का मुद्दा उन हजारों लोगों से जुड़ा है जिनकी जिंदगी इंसाफ के लिए सरकार के चक्कर काटते गुजर जाती है। वैसे तो रेप केस में कई बड़े प्रावधान कानून बने हुए हैं, मुआवजा और साथ ही कई तरह के आदेश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद साफ हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज की बहस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 99% रेप पीड़ितों को मुआवजा न मिलने की बात कही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 93% पीड़ितों को सपोर्ट न मिलने की बात कही। साथ ही लाखों पेंडिंग केस के पीछे की वजह को जानने की कोशिश भी करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए और समझने की कोशिश के लिए कि हमारे देश के हालात क्या है। एक 146,201 कुल रेप केस, 5,822 केस निपटाए गए, 33% से भी कम केस में फैसला। ये आंकड़े हैं दिल्ली में साल 2017 में हुई रेप की वारदात से जुड़े हुए। 33% से भी कम ऐसे केस जिनमें इंसाफ मिला हो। ऐसी हजारों वारदात हैं जिनमें इंसाफ के इंतजार में दस्तावेज अदालतों में पड़े धूल फांक रहे हैं। 33% से भी कम केस में इंसाफ की बात ने हमें ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एक साल के भीतर रेप केस का निपटारा करने का आदेश दिया। मुझे भी आज माननीय उच्च न्यायालय के आंकड़े सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े आंकड़े हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता। इसका मतलब कि उनकी बात पूरी तरह न्यायालय में, या हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारी तौर से जो सहायता मिलती है वो नहीं मिल पाती है। ये अपने आप में बहुत दुखद है और खेदजनक है। अगर ऐसा आदेश आज पारित हुआ है तो मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। सिर्फ रेप से जुड़े आंकड़े ही परेशान करने वाले नहीं बल्कि रेप से जुड़े मुआवजे के मामले भी परेशान करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को गंभीर होना पड़ा। 99% नाबालिग रेप पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने की बात को सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुआवजा देने में देरी क्यों हुई, जवाब भी समझिए। माननीय न्यायालय का ने जो चिंता व्यक्त की है और निर्देशित किया है, और हम उस दिशा में उत्तर प्रदेश काम कर रहा है और हमने शीघ्रतापूर्वक सजा दिलाने का काम किया है और पीड़ित को न्याय मिले ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसका पालन। नाबालिगों के साथ रेप के आंकड़े जितने परेशान करने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े इस तरह के केस में लापरवाही से जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले में हैरानी जताते हुए कई निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। दूसरी तरफ बीजेपी भी क्राइम को कम करने का दावा करती नजर आई। ये बात भी सही है कि उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता। जो तरीका है डिसबर्समेंट का वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, कोर्ट गवर्नमेंट को लिखे, गवर्नमेंट से फिर फंड सैंक्शन को, उन कोर्ट्स को ये पूरा इख्तियार होना चाहिए फाइनेंशियल कि वो ऑर्डर कर दें और गवर्नमेंट उस पर एक्ट अपाल कर दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद है कि फाइलों के कब्रिस्तान में दफन हजारों केस आखिरकार इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि सालों तक गर्द में दबे इन हजारों केस के साथ इतने सालों तक क्या विश्वासघात होता रहा, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या अब सरकारें जाग जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। ऐसे में R9 टीवी कुछ सवाल उठा रहा है, क्या रेप पीड़ितों के साथ विश्वासघात किया गया है? नाबालिगों को मुआवजा देने में आनाकानी क्यों? सालों तक कोर्ट में क्यों लटके रहते हैं रेप के केस? सख्त कानून के बाद भी रेप वारदात में इजाफा
क्यों हो रहा है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे देश की ऐसी स्थिति है और ऐसे में सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ होना चाहिए, कमी कहाँ रह गई है, ताकि हम एक पॉजिटिव नोट पर पहुंच पाए कि आखिर वाकई में होना क्या चाहिए। गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूं। कांग्रेस के लीडर हरीश भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अनामिका परासर एडवोकेट जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रियवंदा तोमर डॉक्टर प्रियवंदा तोमर जो कि यूपी की महिला आयोग की सदस्य है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और शबीना खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो क्योंकि महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहूंगी कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और कोर्ट तक पहुंचते हैं, पहले तो ऐसे ही मामले बहुत कम होते हैं जो कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जब आज हैरानी जताई तो वाकई में ये बात हैरान और परेशान करने वाली है कि 99% ऐसे मामले हैं जिसमें मुआवजा नहीं दिया जाता, अभी तक केस है जो चल रहा है। क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है, क्या जागरूकता नहीं है, क्या तरीका है, क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद हैरानी जता रहा है। मैम समझना चाहेंगे, थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को कि कहाँ कमी रह रही है। देखिए, जो आंकड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखा है वो वाकई में आश्चर्यजनक है, बहुत ही शॉकिंग है, दुखद है, परंतु साथ ही मैं बहुत ही धन्यवाद साधुवाद भी देती हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि हम उन्होंने संज्ञान लिया है इस बात का कि महिलाओं के अधिकारों के लिए, उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे से पहले भी पूर्व में भी वो कई बार संज्ञान ले चुके हैं, लेकिन अभी जो हाल में ये बात हुई है तो इसमें मुख्यतः जो कारण है, क्योंकि मैं तो यूपी महिला आयोग में हूँ, तो हमारी जो सरकार है वो बहुत ही इसको गंभीरता से इस विषय को ले रही है, वन स्टॉप सेंटर बने हुए हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो कहीं ना कहीं हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, अवेयरनेस, दूसरी बात जो अधिकारी हैं उनको और हमें सेंसिटिव करना पड़ेगा, संवेदनशील बनाना पड़ेगा, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कोर्ट्स की संख्या भी कम है, उसमें भी सरकार देख रही है कि जहाँ भी इस तरह के ट्रायल्स चल रहे हैं और 100 से अधिक उनकी संख्या है, 100 से अधिक जिस भी जिले में ट्रायल ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एक नया एक कोर्ट स्थापित हो, इस और काम हो रहे हैं। मैं जाती हूँ अलग अलग जिलों में सुनवाई के लिए तो काफ़ी महिलाएं पहुँचती हैं। आपने देखा है कि काम तेजी से हो रहा है, केसेस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, आपका ये मानना है? जी, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तभी ये रिपोर्टिंग हो रही है। दूसरे नंबर पर यूपी आता है मैम, 1560 रेप के केस जो है 2017 के रिकॉर्ड के अनुसार बता रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन रिपोर्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। आप ये देखिए कि पिछले वर्षों में रिपोर्टिंग निकल के आ रहे हैं, बच्चे सब लोग बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, अवेयरनेस हो चुकी है, विभिन्न एनजीओ सरकारी शासन प्रशासन सबको लगा अगर हुआ इतने है। सक्रिय है मैम तो केसेस बढ़ने नहीं चाहिए थे। नहीं, रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है फिर भी ये जो मैं मुद्दा है मानेंगी मैम आपके तो कई ऐसे लोगों से रूबरू होती होंगी, क्योंकि एक सोच है, इस सोच को कहीं ना कहीं घटा मारने की पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। आप रेप कर सकते हैं, वो भी नाबालिग से रेप, इसके लिए आपको एक एक्ट बनाने की जरूरत आन पड़ी। तो ये हमारे समाज में छिपी ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी सोच है, एक विक्षिप्त सोच जिसको कह सकते हैं, इसको खत्म करने की जरूरत है ताकि मामले उठे ही ना, केस आप फाइल करने की तो बात ही ना है, पहले ये सोच खत्म होनी चाहिए। परंतु ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादातर मामले जो होते हैं वो परिवार के लोगों या जो बहुत ही निकट के होते हैं उन्हीं के द्वारा ये किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत संस्कारी कार्य करने की जरूरत है, समाज को हमें जागरूक और उन्हें बहुत संस्कारी करने की जरूरत है। इस पर आऊंगी कि समाज में बदलाव कैसे हो, क्योंकि समाज अगर बदलेगा तब इस तरह की चीजों का, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कई हिडन फैक्टर्स होते हैं और क्यों केस रजिस्टर्ड नहीं होते, इसके पीछे भी कारणों को आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन अनामिका जी, आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी बता रही थी डॉक्टर तोमर की कोर्ट्स जो हैं उनके पास पहले से ही पेंडिंग केसेस चल रहे होते हैं, संख्या कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट की कम है, और ऐसे में जब इस तरह के मामले आते हैं साल दर साल चलते रहते हैं, रेप करने वाला भी जानता है कि शायद ही जल्द डिसीजन आए, तो क्या आप क्या पाती हैं कि वाकई में कोर्ट की संख्या कम है, या फिर अगर
फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ये मामले सुलटा लिए जाए तो हो सकता है, क्या होना चाहिए? मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और इसमें काफी नहीं, वो काफी हैं और वो काम काफी तेजी से चल रहा है। जब ही जा करके ये मामले लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले क्या हो रहा था कि रेप हो रहा है, लोग पहुंचते नहीं थे। आप जो आंकड़ों की बात कर रही हैं कि आंकड़े आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे हैं? रेप पहले भी होते थे बट लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। तो लोग अब जाकर के जागरूक हुए कि उनकी सुनवाई हो रही है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे आ रहे हैं। इसमें हमारी पहुंच ये है कि जो बात होती है कि उनको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, जिस तरीके से हर जगह पे एक क्राइम विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविजन दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप स्कीम बनाइए, अगर आप विक्टिम हैं तो इस चीज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं। अगर इन द सेम वे रेप विक्टिम के लिए भी एक फंड बनाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम बनाए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऑर्गेनाइज करके इस फंड को आगे बढ़ाया जाए, और ये रेप विक्टिम को क्यों एविडेंस के बाद ही, किसी ट्रायल के बाद ही कॉम्पनसेशन की बात होती है, क्यों नहीं उनके केस जैसे ही एफआईआर हो रहा है, जैसे ही केस दर्ज हो रहा है उनको उसी समय वो रिलीफ दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ पाए। अगर एक लड़की का रेप हो रहा है, उसकी फैमिली के पास उसको सब कुछ अरेंज करना है, केस लड़ना भी है, केस आगे प्रोसीड भी करना है, कोर्ट भी जाना है, बट जो विक्टिम है, जिसने किया, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो आराम से, वो ही सिंगल सर्वाइवर। मेरी ये सजेशन है कि अगर उनके जो भी उनकी उनका जो अटैचमेंट है एट द टाइम उसको इनक्लोज कर दिया जाए, ताकि वो जब उसकी फैमिली पे भी बात आएगी, जिस तरीके से ये आप सजेशन जो दे रही हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता है, इस तरह के भी कई केसेस सामने आते होंगे, क्या लगता है जो बात कह रही हैं अनामिका जी कि मुआवजा क्यों नहीं मिल पाता है, तो ऐसा होना चाहिए कि जब केस फाइल हुआ है, जब केस कोर्ट में चलने लगा, उस वक्त ही ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, या कोई तो ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या लगता है, आपके सामने कोई ऐसा केस आया है मुआवजा नहीं मिल पाया, उनके लिए आपने बातचीत की हो, लड़ाई लड़ी हो? केस तो बहुत हैं, और अगर आपको ध्यान हो तो 16 दिसंबर 2012 में निर्भया का केस हुआ था, उसके 5 साल बाद डिसीजन आया था, और वो तब आया था जब पूरी दुनिया और पूरा देश उस निर्भया के साथ खड़ा था, उसके परिवार के साथ खड़ा था, मीडिया ने उसको इतना हाइप क्रिएट किया था, इतना प्रेशर बिल्डअप किया था, सब कुछ प्रूफ था कि ये रेप हुआ है और किसने किया है, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद डिसीजन आया। तो इतने लंबे केस आपके चलते हैं, उसके बाद आप प्रूव ही नहीं कर पाते आधे केसेस में, और कितना मानसिक प्रेशर उस पीड़िता के पास रहता है आप समझ सकते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना प्रेशर वो झेलती है और क्या क्या उसको बियर करना पड़ता है कोर्ट में खड़े होकर के। और कॉम्पनसेशन की बात रही, अगर आप प्रूव ही नहीं कर पाते, अभी आपने सेंगर का केस में देखा होगा, लड़की का एक्सीडेंट होकर के मर गई, उसको अभी तक भी कुछ भी ना डिसीजन आया है ना कुछ वो प्रूव कर पाई, तो आप किस तरह से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो किस तरह से जो विक्टिम है उसको मार देते हैं, कुछ भी नहीं होता है हमारे देश में, उसके ऊपर से आपका सामाजिक प्रेशर। आज भी हमारे देश में बलात्कार एक श्राप की तरह है, और जो लोग हैं वो जो पीड़िता है उसको इस तरह से देखते हैं कि ना तो वो सही से जिंदगी जी पाती है, ना ही उसकी शादी हो पाती है, उसको इतना तो समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी तो आप लोगों के ऊपर है मैम। जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों को, सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, बहुत सारे संस्थान एनजीओ भी, सिर्फ आप अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, मीडिया, आपका गवर्नमेंट उनको क्या क्या एड दे रही है। दूसरा, कोर्ट उनको फास्ट ट्रायल कोर्ट की बात हुई है, अभी दिल्ली में 6 फास्ट ट्रायल कोर्ट बने थे, लेकिन आज भी आप चेक कर लीजिए डाटा, 1600 जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं। तो फास्ट ट्रायल कोर्ट में भी अगर इतने सारे पेंडिंग हैं, तो आप नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं उनकी कैसे, आधे जो, ये तो सिर्फ आपने डाटा से निकाला इतने केसेस, आधे तो ऐसे हैं जो डर के मारे जाते ही नहीं हैं। हाँ, ये तो जो समाज के डर से रिपोर्ट है हम उससे निकाल रहे हैं, ट्रायल केसेस जो चल रहे हैं 1,46,000, तो आप इससे समझ लीजिए कि ये ट्रायल केसेस हैं, केवल आंकड़ा ये है। और काफी केसेस ऐसे हैं जो पुलिस थाने में दबा दिए जाते हैं, जहां पर आपको जो इन्फ्लुएंशियल पार्टी है वो ये कहती है कि जो विक्टिम है उसको आप किसी तरह से भी मुंह बंद करके बिठा दीजिए और केस को आगे ना बढ़ाने दीजिए। शबीना खान, आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जिसमें मुआवजा ना मिला हो, या मुआवजे की लड़ाई लड़ी गई हो, या बात आई हो? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि परिवार, जिस परिवार में ये नाबालिग के साथ रेप हुआ है या रेप की घटना हुई है, वो कई बार, उन्हें पता नहीं होता है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं,
उन्हें नहीं मालूम होता है और वो शायद ही इस मामले में मुआवजे के लिए अपील करे या कुछ। यहाँ कहीं ना कहीं एक लिंक जो है वो टूटती नजर आ रही है कि कैसे मुआवजा उन तक पहुंचे, क्या एक तरीका होना चाहिए कि उन्हें पता हो अपने अधिकार के बारे में। कोई ऐसा केस जो आपके जहन में हो? देखिए, केस तो बहुत सारे हैं, हमारे सामने बहुत सारे केसेस आते रहे हैं और आ भी रहे हैं लगातार। ज़्यादातर ये सरकार ने कानून तो बना दिया कि रेप पर सज़ा है, लेकिन सरकार ने ये कानून नहीं बनाया कि रेप को कम कैसे किया जा सके। मेन प्रोसेस ये होना चाहिए कि रेप कम हो, और ये ज़्यादातर देखा गया है झुग्गी बस्ती हो गया, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं थोड़ा, तो उनमें ये ज़्यादातर अपनों में ही देखा जाता है। थोड़ा सा मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगी शबीना खान, जैसा अभी डॉक्टर तोमर बता रही थी कि कई बार पारिवारिक ज़्यादा मामले निकल कर आते हैं, जो खासकर नाबालिग से रेप की बात करें तो उसमें तो परिवार को, हमारे समाज को कहीं ना कहीं एक अलग तरह के डेफिनेशन की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, हमें अपने समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप परिवार में इस तरह की घटनाएँ जब हो जाती हैं तो हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं। जी, बच्चों से छेड़छाड़, बच्चों के साथ जिस तरह की अभद्रता की जाती है हम कई बार अवॉइड करते हैं, हम उस रिश्तेदार के यहाँ जाना आना बंद कर देते हैं, लेकिन हम फाइल नहीं करते हैं केस। फाइल इसलिए नहीं करते हैं कि बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, लड़की जात है, आगे उसकी शादी नहीं होगी और उसका आगे उसका फ्यूचर कैसे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से बंद कर दिया जाता है। बट मुझे लगता है देखिए, बहुत हद तक जो रेप होते हैं कुछ आते हैं मीडिया के थ्रू, कुछ जो ज़्यादा वायरल होते हैं वो मीडिया में आ जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो पुलिस थाने में दबा दिए जाते हैं, जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कोई मुश्किल से अगर कोर्ट तक पहुंचता है तो इतना उनके पास होता नहीं है कि वो रोज़ रोज़ कोर्ट के चक्कर लगा सकें। तो मुझे लगता है कि कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ये केस चलने चाहिए, कोर्ट में भी इतना तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख होता रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को इतनी जल्दी इंसाफ मिल सकेगा। मुआवजा तो दूर की बात है, सबसे पहले सिर्फ महिलाओं की बात नहीं हो रही, आज तो नाबालिगों की बात हो रही जी, है। मैं वही बात कर रही हूँ, जो नाबालिग के साथ रेप हो रहा है, जो बच्चे शामिल हैं उनके मानसिक स्थिति क्या होती होगी। वाकई में यहाँ सोचकर ये लगता है कि 99% मुआवजा नहीं पहुंचा। हरीश भारद्वाज, कोर्ट के इस कथनी को कैसे लेते हैं आप कि 99% मुआवजा नहीं मिल पाता है नाबालिग से रेप के केस में, कमी कहाँ देखते हैं सर? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मैं किसी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करनी भी नहीं चाहिए सर, बिल्कुल। देखिए, जो ये अभी जो सर्वे आया है कि इतने प्रतिशत मुआवजा ही तक नहीं पहुंचा है, न्याय प्रणाली ने ये निकाला है, तो निश्चित ये एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर सारे राजनीतिक दलों को और साथ साथ खासकर जो राजनीतिक व्यवस्था को इस वक्त चला रहे हैं उनको एक गंभीरता से चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा ढांचा डेवलप करने की आवश्यकता है जिसके आधार पर जो जो कमियां सुप्रीम कोर्ट ने आज यहां पर गिनाई हैं, हम सभी राजनीतिक दलों को या जो सत्ताधीश राजनीतिक दल है उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई एक ढांचागत चीजें समाज में बना, हमारी सरकार को बनाया गया था जी, जैसे निर्भया फंड का स्तर जो है उठाया गया था जी, निर्भया फंड का स्तर भी उठाया गया था। और आपको मतलब वैसे राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने स्वतः, हमारे नेता राहुल गांधी ने जो निर्भया की मां से आप ये तस्दीक कर सकती हैं, उसके भाई को पढ़ाने का सारा खर्चा, पायलट बनाने तक का पूरा खर्चा और उनके परिवार को पालने का भी पूरा इंतजाम राहुल गांधी ने स्वतः अपने निजी पैसे से भी किया था। ऐसे भी राजनीतिक लोग हैं जो कि समाज में कहते नहीं है लेकिन करते भी हैं। करना चाहिए इस तरह की चीजों को, अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट होना चाहिए। ये सवाल भी उठता है, हाँ सवाल ये होता है, सवाल कि हमारी खड़े होते हैं, हाँ, कि इस तरह की वारदात हो ही क्यों, हम अपने समाज को उतना सुदृढ़ क्यों ना बनाए कि इस तरह के मामले। निर्भया आपने तो एक केस ले लिया कि राहुल गांधी ने उनके भाई की जिम्मेदारी ले ली, बाकी महिलाओं का क्या, बाकी बच्चों का क्या, बाकी बच्चों के भविष्य का क्या? तो ढांचा तो होना चाहिए ना, कि मुआवजे की बात भी होती है, क्लियर कट है सर कि 5 लाख से 10 लाख मुआवजा दिया जाए, लेकिन कैसे दिया जाए, कितना हिस्सा केंद्र सरकार का होगा, कितना राज्य सरकार का होगा, कैसे ये पहुंचेगा, कैसे वो अपील कर सकते हैं, ये अभी तक अगर नहीं हुआ है तो क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? बिल्कुल निश्चित रूप से सिस्टम का फेलियर है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सत्ताधीश पार्टी के लोग हैं उनसे ये मांग करना चाहता हूं कि आप एक राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस विचार को जो निकल करके आया है, मतलब इस गंभीर चिंतन करें, और चिंतन करने के पश्चात कोई ऐसा ढांचा स्थापित करें जिससे जो हमारी बहन बेटी जो इस प्रकार की जो
परेशानी से गुजरती है उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से उसका उत्पीड़न किया होता है और साथ ही साथ समाज में उसको कहीं ना कहीं पर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसका किस प्रकार से हम निवारण कर सकते हैं, किस प्रकार से उस चीज़ से हम उसको मुक्ति दिला सकते हैं, किसी भी प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि उसको चाहे वो विधिक रूप से उसको एक सपोर्ट मिल सके, चाहे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिल सके, एक तरीके से सामाजिक संरचना इस तरह की हमारी, इसमें आप सपोर्ट करेंगे सरकार को, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर कोई किसी प्रकार का कोई इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। अशोक ठाकुर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब ऐसे समाज के मुद्दे सामने आ जाते हैं और आंकड़े जो हैं वो भयावह हैं, कैसे कोई उम्मीद करे? एक परिवार, एक किसी नाबालिग के साथ रेप हुई है, उसे खुद नहीं पता है उसके अधिकार क्या हैं, मुआवजे की तो बात दूर है सर, ऐसे केसेस में कई बार पता भी नहीं होता कि मुआवजा मिलेगा, और मुआवजा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कितनी बार चक्कर काटने पड़ते हैं, कई केसेस तो रजिस्टर्ड भी इसलिए नहीं होते हैं, ऐसे में स्थिति वाकई में विकट है। ये समझ में आ रहा है कि क्या स्टेप लेना है सरकार को? गंभीर सामाजिक समस्या भी है, इसका राजनीतिक हल अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ साथ हमको सामाजिक दृष्टि से भी उस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण तो है सर आपके उसमें, इसको है ना सर? अशोक सर बताइए, अगर मैं गलत, देखिए मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपके मैंडेट में ये बात कही गई है, उस पर काम भी कर रहे हैं आप लोग, अग्रसर भी हैं, अब की बार शायद इस पर वार हो जाए, लेकिन देखिए मैं, हमारा ख्याल नहीं आता है सर। देखिए मैं कह रहा हूँ कि देश की जो भी गंभीर समस्याएं थी उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम ये सरकार कर रही है, और ये गंभीर समस्या है या नहीं है, वो समस्याएं जो कभी सोचा नहीं था कि ये कभी हल भी हो सकती है, उनको भी हल करने का काम हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण हो या समान नागरिक संहिता हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार अपने मैंडेट के साथ उस पर आगे बढ़ रही है और समय हमारे लिए आप देखेंगे कि उन समस्याओं का हल होगा। सर ये तो आपके मैंडेट में नहीं है तो नहीं बात करेंगे, सुन लीजिए फिर कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक भाई आप बोल रहे थे हम बीच में नहीं बोल रहे, नहीं अशोक जी बोल लीजिए, मैं उनसे भी ले लूंगी वो जो सवाल करना चाह रहे, आप पहले कह लीजिए क्या ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, नहीं नहीं क्या ये गंभीर मुद्दा है सर आपके लिए? नहीं नहीं बिल्कुल गंभीर मुद्दा है, और हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में नहीं है तो आप इसे नहीं देखेंगे, हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाने का काम किया है नाबालिग बच्चियों के मामले में, उसको फांसी की सजा तक ले जाने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। ये आपकी सरकार में हुआ है सर? बिल्कुल हमारी सरकार में हुआ है, और जहाँ तक निर्भया कांड की बात है उसमें भी हमारी सरकार जो है उसमें की सरकार के साथ जो कांग्रेस की उसके साथ खड़ी थी, बना देने भर से काम पूरा हो जाता है। सुन लीजिए मेरी, और मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम इसमें जिस तरह से हमारे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी ने उनका खर्च उठाया, मुझे लगता है ये और ज़्यादा गंभीर समस्या है। एक सरकार का मुखिया होने के बाद वो जेब से पैसा करने के बजाय सरकार के उसमें प्रावधान नहीं किया उन्होंने, उसकी व्यवस्था क्यों किसी के ऊपर, उसकी लाचारी पर सरकार में रहकर आप प्रावधान कर सकते थे उसकी पढ़ाई का, आपको क्यों आवश्यकता पड़ी कि आप व्यक्तिगत जेब से करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप सक्षम नहीं होते, सरकार में नहीं होते, तो आप करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसका देखिए अननेसेसरी क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये गंभीर समस्या है, इसका चिंतन होना चाहिए और ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से इस पर गंभीर चिंतन तो करके क्या ऐसा सर क्या ऐसा फॉर्मूला होगा कि केंद्र राज्य सरकार, चलिए देखिए रेप के अधिकतर मामले जो है नहीं, मुआवजा कैसे पहुंचे सर? सर मुआवजा कैसे पहुंचे, इसका एक ढांचा तैयार करना होगा सर, पता ही नहीं है कि केंद्र सरकार कितना देगी, राज्य सरकार को कितना मिलेगा, कैसे मुआवजा पहुंचना है, इसके लिए कोई ढांचा नहीं है सर। इसके लिए मैंने आज खंगाल लिया कि अगर किसी के साथ हो जाए और वो मेरे पास आए तो उस मुआवजे को दिलाने के लिए शायद मैं कॉल करके अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कर लूं तो उसे मिल जाए, लेकिन एक तरीका होता है कि ये भाई ये फॉर्मूला है, आप ऐसे ऐसे जाइए, ये फॉर्म मिलेगा, ये आप भरेंगे और ये करेंगे, ऐसा कोई ढांचा नहीं है, इसीलिए तो 99% में मुआवजा नहीं पहुंचा है। कौन जाएगा सर कि उसकी बच्ची के साथ, उसके बच्चे के साथ रेप हुआ है, अब हमें मुआवजा दे दीजिए और चक्कर काटेगा? ये तो हमारे समाज के लोग हैं जो खुद उनको अवहेलते हैं सर। देखिए मैं श्वेता जी आपको बीच में टोकना चाहूंगा, अशोक जी ने एक बात कही है सर, देखिए मैं श्वेता जी आपको बीच में टोकना चाहूंगा, अशोक जी ने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी को ऐसा करना चाहिए था वैसा करना चाहिए था, आपको बता दें जो जो सरकारी मदद होती है वो तो पूरी पूरी उनको की गई,
और जो कांग्रेस पार्टी की उस वक्त सरकार थी उस वक्त उन्होंने पूरी पूरी मदद एक की। दूसरी चीज मैं हमसे इनको उनको हजार की बात कर रहा ठाकुर साहब को मैं ये भी ठाकुर जी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उनको इच्छा शक्ति भी अपनी मजबूत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस प्रकार से चिन्मयानंद की घटना हुई कुलदीप सेंगर की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है इससे जो मां बहन बेटियों को बचाने की आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों राजनीतिक पार्टियों एक मिनट में राहुल से कमेंट ले लूं उसके बाद बोलिए जरा सर अदालत में चल रहा है और राहुल एक मिनट अशोक जी सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेकर जो उस पर कार्रवाई कर रहा है अभी तो सिस्टम में आप है ना तो सवाल आपसे होंगे कि मुआवजा क्यों नहीं मिला और राज्य सरकारों से भी सवाल होंगे। राहुल लाल कमेंट आपसे चाहूंगी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी को आपने सुना और इतना संवेदनशील मुद्दा है, अगर कोर्ट ये बात कह रहा है कि 99% मुआवजा नहीं पहुंचता है तो कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि ये तरीका है और इतनी त्वरित कार्रवाई के तहत आप तक मुआवजा पहुंच जाएगा? देखिए इस तरह के कई मामलों को जो है कि मैंने देखा है जो आप कह रहे हैं कि रियल में अब तक इसको लेके सरकारें गंभीर नहीं रही हैं, इसलिए देख सरकारें गंभीर रहेंगी तो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक पॉलिसी बनेगी कि किस तरह से उसका फंडिंग कहाँ से होना है, किस तरीके से मिलना है। जो आप श्वेता जी सवाल उठा रही है कि उसमें कैंस की भागीदारी कितनी होगी, राज्य सरकार की भागीदारी कितनी होगी, कौन जो है कि कौन उसको जो है कि इशू करेगा, तो ये इन सब चीज़ों को लेके कई बार हम लोगों ने देखा है वहाँ पे कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो सरकार के अलग अलग विभाग आपस में टकराने लगते हैं कि ये नहीं इसकी शुरुआत हमारे विभाग से होगी या उनके विभाग से होगी, तो इसमें क्लियरिटी का अभाव है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि 99% मामलों में नहीं मिल पा रहा है जब तक हम लोग उसके लिए एक नीतिगत और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा जानकारी के लिए बता दूं। चलिए बताइए, अगर ये मुआवजे का प्रावधान है तो ये केंद्रीय कानून के तहत ही हुआ है, लेकिन क्योंकि कानून और व्यवस्था जो है वो राज्यों की सूची का विषय है और बाकी का उसको इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है उसको देने का वो राज्य सरकारों के अधीन आता है, तो कहीं ना कहीं यूपी में किसकी सरकार है? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर किस राज्य में किसकी सरकार है? अशोक जी जब आप इसका राजनीतिकरण करेंगे तो राजनीतिकरण सख्त हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे सवाल सख्त हो जाएंगे, ये एक व्यवस्था है, आप मानिए कि व्यवस्था में कमी है। हाँ। आप ये मानिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि इसमें तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, गृह मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय होता है और महिला एवं विकास मंत्रालय, और किन्हीं को नहीं पता है कि उनका रोल क्या है, उनको कैसे ये करना है, तो ये कौन करेगा? सर मानिए, पहले एक्सेप्ट तो कीजिए, अगर कोई समस्या उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और अपना बताएंगे ही नहीं कि आपके आपको हुआ क्या है, कैसे इलाज करेगा सर? इस पे राजनीति मत कीजिए, लेकिन हमको उसमें चिंतन करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि आपने क्या कहा, कहां किन किन लोगों को क्या क्या करना है और उनको उसी पर आ रही हूँ ना सर, मैं कह रही हूँ राजनीतिकरण करेंगे तो मेरे सवाल सख्त हो जाएंगे। डॉक्टर तोमर, यूपी सेकेंड नंबर पर आता है 2017 के मैंने आपको आंकड़े बताए और फंड जो है वो कहीं ना कहीं जारी कर दिया जाता है, समझना चाहूंगी क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है फंड है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है? पहली बात तो मैं आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, मुझे आपत्ति है कि जो जनसंख्या नियंत्रण है वो हम महिलाओं के पक्ष में नहीं है, वो सबसे ज्यादा उसका अगर फायदा होगा तो हम महिलाओं को ही होगा। कहाँ चली गई मैम? नहीं नहीं वो क्योंकि पॉइंट आया है मैम, एक नहीं महिलाओं के उस पर डिबेट दूसरी बात हाँ, करेंगे हाँ, मैं नहीं, कह रहे मैं नहीं नहीं आप मेरे कहने का गलत अर्थ इसलिए ना निकाले क्योंकि मैं घोषणा पत्र से जिक्र कर रही थी कि घोषणा पत्र में आपका ये नहीं मैटर है, तो प्लीज उसको जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे जी कि जो निर्भया का जो फंड है वो 3500 करोड़ था जी, 960 करोड़ उसमें से इस्तेमाल हो चुका है। दूसरी बात, जब हम लोग सुनवाई के लिए जाते हैं, मैं महिला आयोग की ही बात करूंगी, तो 3 दिन पहले जब सुनवाई होती है बुधवार को, 3 दिन पहले अखबार में इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, बहुत अच्छे से सब जगह प्रचार प्रसार किया जाता है, पूरा पत्रक आता है, बताया जाता है जो जिला सूचना अधिकारी होते हैं, तो आती हैं महिलाएं, बच्चियां जिनको जिनका ये सब हुआ होता है वो सब भी आती हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, वो घर से बाहर निकलें, उसके लिए जो NGOs हैं वो कार्य कर रहे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तरह से उन्होंने रूट लेवल से किस तरह से लेके चले और कितना सफल कार्यक्रम हुआ, तो थोड़ा समय लगता है। जहाँ तक उसकी लीगल एडवाइस की बात है तो हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं, जो लीगल जो एड होती है उपलब्ध कराते हैं, जिला स्तर पे उपलब्ध कराते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट
स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की जो लेजिस वो होती हैं, लीगल असिस्टेंट होता है, असिस्टेंस होती है वहाँ पर, उसको प्रोवाइड कराने के मुआवजा कब मिलता है? बिल्कुल इमीडिएटली भी मिलता है, उत्तर प्रदेश में इमीडिएटली भी मिलता है, अनामिका जी तुरंत दिया जाता है, थोड़ा पार्ट दिया जाता है, वो थोड़ा पार्ट दिया जाता है। आप पहले राहुल लाल को ऐड कर लीजिए, फिर मैं कानूनी पहलू पर लखनऊ में देख चुके, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बोल के निकल सकते हैं। लखनऊ के घटनाक्रम में मैं मिला भी हूँ पुलिस से, वो एक तरह से अभी LLB कर रही है, और स्थिति यह है कि घर वालों का सपोर्ट नहीं है, वो कैसे अब ये कह देना कि नहीं वो आती नहीं है, वो अपने कोर्ट में पर डे को जो है कि बिल्कुल राइट टाइम पे वो हाजिर हो रही है, सारे प्रोसेस में शामिल हो रही है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है उनको। देखिए स्थिति किससे मिली वो ये बताइए ना आप, किससे मिली, किसने रिफ्यूज किया, उनको किस लेवल पे वो जिला कल्याण पदाधिकारी के पास मिली है, वो अलग अलग जगहों पे मिली है वो, तो स्थिति देखिए ये तो एक घटनाक्रम में बता रहा हूँ, ये स्थितियां है, नहीं तो आप ये बताइए अगर उत्तर सच्चाई मैं कह रहा हूँ, केवल एक ही चीज तक बात कर रही है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप आज तो कम से कम महिलाओं की तरफ से आपको ये बात कबूल करनी चाहिए कि बहुत काम बाकी है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा भी नहीं पॉइंट में कहेंगे ना तो 0.0059 दिया गया, आप कह रही है सबको दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत है सुप्रीम कोर्ट गलत है। मैंने तो पहला सेंटेंस ही कहा था कि आप खुलने वाला आश्चर्यजनक मैम, आपको खुद अपने स्टेटमेंट पर एक बार गौर करने की जरूरत है, आप कह रही है कि सबने मिलता है, आप कानूनी एक एग्जांपल तो दे दिया राहुल लाल ने, मुझे भेजिए नंबर भेजिए, मैं कह रहा हूँ लखनऊ में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, आपका तो आयोग वहीं पे बैठा हुआ है, उसमें से क्या स्थिति है वहाँ पे, देखिए एक कोर्ट में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता, कोर्ट में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता, सिचुएशन बता रहा हूँ। देखिए लगातार एक चीज ये कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, समस्याएं जल्दी समाधान होंगी, रियल स्थिति ये है उन फास्ट ट्रैक कोर्ट पे भी ओवरलोड है, जो पॉस्को एक्ट के जो चीजें चल रही है, जो पॉस्को एक्ट के वो IPC में नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जिसमें की प्रावधान है 6 महीने में होना चाहिए, वो भी 6 साल में वहाँ पे भी नहीं होता है। लखनऊ का अगर उदाहरण लें, लखनऊ में दो है, एक में फैमिलियर मामले फास्ट कोर्ट में चल रहे हैं और एक में ये मामले चल रहे हैं, तो रियल कहानी है कि हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, जो वर्तमान संख्या वो काफी कम है, संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लोड है, मैं आयोग की बात कर रही हूं, संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, समाधान तो पक्ष नहीं लेगा ना, हमारे पास ऐसी बात आप प्रश्न डालते हैं, जो लेजिस्लेटिव पार्टीज हैं उनको इसमें स्टेप लेना पड़ेगा, अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज कोर्ट में आने के बाद एविडेंस 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 के चक्कर में लेट होता है, जिसमें कि विक्टिम को जल्दी न्याय नहीं मिल पाता, अगर पुलिस हमें सपोर्ट करे तो कोर्ट एपेक्स कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि शीघ्र अति शीघ्र उनको रिलीफ दिया जाए। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट पैनल बना करके इस स्कीम को आगे प्रोवाइड करे, जिससे कि जो भी विक्टिम है उसको शीघ्र अति शीघ्र रिलीफ उस फंड से मिले, जिस तरीके से CRPC 357A आप देखेंगे, जिसमें कि अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करके अपने एविडेंस को लगा के आप रिलीफ मांग सकते हैं, सेम इसी तरीके से रेप विक्टिम के लिए एक एक्ट बनाया जाए जिसमें कि वो फंड के थ्रू उनको इमीडिएट। अब ये जो आ गया है कि एक साल के भीतर सुनवाई करके निपटारा करे, कैसे करेंगे अगर कोर्ट्स कम हैं, ओवरलोडेड हैं, तो फिर ये कैसे की जाएंगी? अनामिका जी सवाल तो फिर ये भी खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को तो पता है कि न्यायिक प्रक्रिया ऐसे गुजरती है, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, और तब अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटमेंट दे रही है, यानी कहीं ना कहीं लूपहोल्स वहां पे भी है कि चीजें कैसे टाल मटोल होती है, या अगर 6 महीने में कार्रवाई पॉक्सो एक्ट के तहत होनी है, मतलब होनी है, Either yes, either ये no. तो गाइडलाइन, ये तो गाइडलाइन हमारे जो पुलिस प्रोटेक्शन, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, जो ट्रायल चार्जशीट सबमिट करती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट जो है कहीं भी डिले नहीं करती, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए ही इसलिए गए हैं कि जितने शीघ्र अतिशीघ्र में एविडेंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्ट प्रोसीड करती है और उन्हें रिलीफ देती है। प्रियंका राणा, क्या कोर्ट में मामले लंबित पड़ते हैं, आपका क्या मानना है, क्या आपने देखा है किस तरीके के मामले जब आते हैं वो कोर्ट में साल दर साल होते चले जाते हैं, लेकिन फैसला शायद ही जिस तरीके से हमने फैसला देखा कि कितने मामलों में आप आते हैं। नहीं, बिल्कुल लंबित पड़े रहते हैं और तारीख पे तारीख ही मिलती है। अभी हमारी बहन ने बोला कि जो आपके कोर्ट में जो पुलिस की कमी की वजह से डिले भी होता है, तो आप ये देखें पुलिस कितने केसेस में ये प्रूव हो चुका है कि काफ़ी एविडेंसेस मिटाने की भी कोशिश की जाती है। और अभी नेताओं की बात हो रही थी, दोनों पार्टी बड़ा पीठ थपथपा रही थी कि भाई हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने ये कर दिया,
अब मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी ने क्या किया, क्योंकि अभी की जो पार्टी है उनके भी जो नेता हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद उनके पास हाथ जोड़ने जाते हैं जो रेपिस्ट हैं, मतलब जो उनके पर केसेस चले हुए हैं। और रेप कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है। बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल साइड पे लेके ना जाए कि किसकी पार्टी ने कितने रेप करवाए और कितने सॉल्व किए। और शर्म आती है, शर्म आती है पॉलिटिक्स से डिबेट करते हुए कि पार्टी के लिए आप लोग पोस्टर लगाते हो, आप स्टीकर लगाते हो बसों में, जगह जगह रोड पर, सड़कों पे, कभी अवेयरनेस के लिए भी आपने किया महिलाओं के लिए कि हाँ आपने अवेयरनेस सेंटर बनाए गए। मुझे आप बताइए, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि लॉ तो बहुत है अनामिका जी, मुझे नहीं लगता कि लॉ ज्यादा बनाने की, लॉ का इन्फोर्समेंट किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से लोग जागरूक हैं या नहीं, इसकी जरूरत है। हरीश भारद्वाज और अशोक ठाकुर दोनों सुन रहे होंगे, ये सुन रहे हैं क्या कहना है। सबसे बड़ी जरूरत है अवेयरनेस की, आप सुनिए ठाकुर साहब, अवेयरनेस सबसे बड़ी जरूरत है अवेयरनेस की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक अवेयरनेस ठीक है, बट इसके लिए आप लोग और भी ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है। 50% लोगों को नहीं पता है कि नाबालिग केस में, नाबालिग रेप केस में मुआवजा भी मिलता है, 50% लोगों को पता ही नहीं है, 50-80% लोगों को नहीं पता होगा। तो आप सरकार का काम है कि इसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक सिर्फ एनजीओ का काम नहीं है, एनजीओ से नहीं रुकने वाले, ये सरकार का काम है कि उसके लिए अवेयरनेस करे, उसके लिए अशोक ठाकुर जी एडवर्टाइजमेंट दे, ये बताए कि हाँ महिलाओं के लिए क्या। आपने बहुत अच्छे से कहा, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करके आपको सामाजिक जो समस्या है उसकी गंभीरता का विषय बताऊंगा। और अगर महिलाएं यहाँ पर उसको बड़ी जोर से उठा रही हैं तो महिलाओं की भूमिका क्या है उसको भी समझ लेना। आप केवल सरकार को दोष देकर इससे बच नहीं सकते, सरकार अपने स्तर पर बहुत कुछ कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, मेरा एक ऑफिस सेक्टर 18 रोहिणी में है। मेरे ऑफिस के नज़दीक एक दिन रात को 8 बजे बहुत भीड़ लगी हुई थी, मैं बाहर निकला तो मैं स्तब्ध था। एक बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने कोशिश करी और पूरे महिले मोहल्ले की महिलाएं उस आदमी के साथ खड़ी थी और वो शराब पिए हुए था। आप कल्पना कीजिए कि समाज के अंदर इस तरह का स्थितियां बनती हैं। आप जो जिनके साथ घटना होती है उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, सामाजिक सरकार ने कानून बना दिए, आप एक घटना को सामाजिक घटना मत बताइए, समाज के स्तर पर होता है, सामाजिक घटना मत बताइए, समाज में मुझे खुद उसमें इंटरवेंशन करके उस आदमी को बंद कराना पड़ा और उसके लिए वहाँ पर मुझे विरोध झेलना पड़ा। किसी एक घटना को आप ऐसे मत देखिए, सामाजिक घटना नहीं कह एक सकते। नहीं है, मैं बहुत सारी घटनाओं को देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप सब एक घटना को समाज में बताइए। दूसरी बात, अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। तीसरी बात, सिस्टम में भी कुछ कमी है, पुलिस ज्यादातर केसों को दबा देती है, पुलिस पूरे सबूत मिलाने की कोशिश करती है, और ये सच है। आप लोग को अगर कुछ करना है तो आप सिस्टम को सही कीजिए। आती है मैडम जो केस थाने में, आप ये बताइए पुलिस भी तो उसी समाज का हिस्सा है, एक मिनट अशोक ठाकुर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, हमने तो कानून बना दिए भाई, हमारा काम हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, हो गया उसको इंप्लीमेंट करने के, हो गया ना सर। एक मिनट इंप्लीमेंट, आपने कहा कि आपने खुद एक्शन लिया और खुद विरोध का सामना किया और फिर उसे अंदर करवाया, ये आपने एफर्ट लिया क्योंकि एक केस आपके सामने आया। सर करोड़ों केस पड़े हुए, कई केस तो रजिस्टर्ड नहीं होते, हम बात उन केसों की कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी हो या एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी हो, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है इसको चेक करने की जिम्मेदारी हो, कौन चेक करेगा? यूपी में आपकी सरकार कहती है कि 50 से ऊपर के जो डीएम है जो अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं और जिनको लेकर रिपोर्ट सही नहीं है तो उनको रिटायर कर दो। एक्शन लिया ना, ये एक्शन होता है, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया? आपने एक्शन लिया तो एक आपने मुजरिम को अंदर करवाया, ये आपने खुद कहा, लेकिन ऐसे लाखों लाखों लोगों का क्या? आपको तो उसी दिन सोच लेना चाहिए था कि भाई इस मुद्दे पे तो बात करने की जरूरत है, सभी पार्टियां साथ में आए, क्या कवायद की आपने और आप बात कर रहे हैं। राहुल लाल, ये जो बात हवा हवाई हो रही है, चाहे वो अशोक भारद्वाज कह ले, चाहे माफ कीजिएगा हरीश भारद्वाज कह ले या अशोक ठाकुर कह ले, कहीं ना कहीं कमी यही दिख रही है कि सामंजस्य नहीं है।
एक जो खाका तैयार होना चाहिए कि इन जो संवेदनशील ऐसे जो मुद्दे होते हैं, खासकर नाबालिग रेप की अगर बात की जाए तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उसमें एक ढांचागत तरीके से हमें चलने की जरूरत है, एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है जिसमें फंड हो या फिर अपील की बात हो या फिर किस तरीके से जागरूकता फैलाना है, ये सभी मुद्दों पर बात होने चाहिए। कुछ तो ऐसा बनने की जरूरत है ना? बिल्कुल जरूरत है। देखिए देखिए, अभी जो उदाहरण ये दे रहे थे, देखिए बात ये है कि हमारा समाज में पुरुषवादी मानसिकता है, जिन महिलाओं के बारे में ये उदाहरण दे रहे हैं सभी लोग इसी समाज में पलते बढ़ते हैं, तो अगर वो भी वो स्टेटमेंट दे रही हैं तो वो उसी मानसिकता के कारण दे रही हैं। तो इसके लिए जो सबीना जी बार बार कह रही हैं कि प्रचार प्रसार या जागरूकता को लेकर आप सारे लोग जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, तो सरकार को एक ऐसा विस्तृत और समन्वित कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। एक तरफ वो जागरूकता का कार्यक्रम भी बनाए, दूसरे तरफ जो है कि वो नियमों का क्रियान्वयन किस रूप में हो। काफ़ी अच्छा मुद्दा उठा कि जो हमारा पुलिस बल है वो भी जेंडर मामले पे सेंसिटाइजेशन उनमें भी काफ़ी कम है, उनको सेंसिटिव बनाया जाए, उनके संख्या को बढ़ाया जाए। तो चूंकि क्रियान्वित करने का काम अभी भी हमारे यहाँ पे जांच एजेंसी का काम तो पुलिस ही कर रही है, हालांकि 2006 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा है पुलिस रिफॉर्म के लिए कि आप दोनों एजेंसीज को लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन और जांच एजेंसियों को अलग करें, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो आपको उस जगह पे भी आपको एक्टिव होने की जरूरत पड़ेगी। और जो मैंने कहा कि जो अंततः देखिए समाज को एक उदाहरण भी देना पड़ेगा कि अगर एक लोगों के मन में कानून का एक भय होना चाहिए कि एक घटना घटे तो लोगों को एक डर सा लगे कि अच्छा हाँ उसने ये काम किया। ये बात नितिन गडकरी ने तब तो कही थी जब ट्रैफिक नियम ने लागू किए गए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी, स्टेटमेंट थी अशोक जी कि डर होना जरूरी है लेकिन ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर डर होना जरूरी है, रेप करने के पहले 2 मिनट सोचना जरूरी नहीं है। औरतें सहती आई है, नाबालिग महिलाएं पहले से भी सह, चाहे किसकी भी सरकार रही हो पहले भी नाबालिग और महिलाओं के साथ रेप होते रहे, इस पे कोई भी कानून पास नहीं हुआ जल्दी, ना ही कोई इम्प्लीमेंट हुआ और आज भी महिलाओं के साथ ये हो रहा है जी। आज भी हो रहा है और आज भी कोई कानून नहीं, सिर्फ बातें हरीश भारद्वाज जी, नहीं चाहिए हमें कानून चाहिए, बनाया गया इम्प्लीमेंट चाहिए, कार्यकाल में बनाया गया। तो चाहूंगा कि आप आपके चांस आप किस तरह का कोई आपके पास कोई फॉर्मेट है, अरे उसी को तो डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई फॉर्मेट है तो रखें, हम उसमें उस पर विचार करेंगे, लेकिन केवल कह देने से कुछ नहीं होगा। हमने कोई फॉर्मेट नहीं दिया था, सजा का प्रावधान किया, इम्प्लीमेंट किया था, सरकार ने खुद लागू किया था, ट्रैफिक में लगातार चालान एक से एक कटता गया। ये पूछ रहा हूं। चालान कम हुआ या नहीं, इसी तरह से महिलाओं के बारे में भी सोचना शुरू करें और रेप के ऊपर कानून बनाए और उसका मुआवजा देने की मांग करें तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अशोक जी घर के अंदर रिश्तेदार जो रेप करता है या इस तरह की घटना करता है उसके लिए कोई सुझाव है आपके पास सरकार के पास, वो भी हमें बताइए। हम उसको भी उसको उसको भी नहीं वही बता रहा था जो आपके बगल में मेरी बात सुने, कानून है कानून के स्तर पर जाएंगे, कानून के स्तर पर जाएंगे। नहीं नहीं अशोक जी, पिछले 5 वर्षों में 6-7 वर्षों में इस पर बड़े सख्त कानून बने हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे अभी कमियां हैं, इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे कमियां हैं, इससे मैं सहमत हूं, उस पर और काम करने की आवश्यकता है। कि कुछ बहुत गंभीर सामाजिक समस्याएं हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। अशोक जी सुन लीजिए ना, अगर धैर्य से सुन लीजिए ना तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। अशोक जी देखिए, इस मुद्दे को अशोक जी देखिए, तो सारी यहाँ पर किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बैठे, आपको धैर्य देके सुनने की जरूरत है कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, इतना चाहते हैं। हरीश भारद्वाज, आपके पास इसलिए आना चाहूंगी कि निर्भया फंड जब बना था इसके पीछे की मानसिकता समझना चाहूंगी, कांग्रेस के कार्यकाल में आया निर्भया फंड की जरूरत क्यों लगी पार्टी इसको कि होनी चाहिए, उसमें फंड में डाले भी गए कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो, किस तरीके से सुरक्षा में इजाफा हो या किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, सारे फंड का इस्तेमाल उसमें होगा। हालांकि इस फंड में भी कई चीज, राहुल जी आप सपोर्ट करेंगे शायद, फंड का भी बेजा इस्तेमाल किया गया था, पुलिस हेडक्वार्टर्स बनाए गए थे और जो अभी बोल रही थी डॉक्टर तोमर कि इतना करोड़ यूज कर लिया गया है, तो हमने ये भी दिखाया था कि कैसे पुलिस का हेडक्वार्टर्स बना था उसी फंड का इस्तेमाल करके, क्योंकि फंड यूज नहीं हो पा रहा था। तो हरीश भारद्वाज जी, रग लगाने की बात हुई थी तो उसमें सबसे पहले मेनका गांधी जी ने ऑब्जेक्शन डाला था कि ये जो है सीसीटीवी कैमरास यूजलेस हैं बसेस और प्राइवेट बसेस वगैरह में। हां तो यूजलेस है क्योंकि उनको पता है ना कि शायद रिकॉर्डिंग नहीं होती होगी। हरीश भारद्वाज जी, इसके पीछे निर्भया फंड के पीछे क्या वजह थी और जब बना ही दिया गया तो ऐसी चीजें क्यों नहीं की गई कि उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, क्या दूरदर्शी सोच नहीं रखी गई, बस आनन फानन में लीपापोती कर दी गई थी कि एक बना दो लोगों को खुश कर दो कि हमने ये किया। नहीं देखिए, किसी को लीपापोती करने का या खुश करने का विषय नहीं था, विषय बहुत गंभीर था। एक बहुत ही दर्दनाक घटना दिल्ली के अंदर घटी थी और उस घटना के अंतर्गत जो चीजें सामने आई
उसमें एक गरीब परिवार था, उसकी एक बेटी थी, उस बेटी के साथ ऐसी घटना घटी, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं भी हमारे नेताओं ने समझा कि बहुत सारी हमारी बहन बेटियां आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर भी होती हैं, वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाती हैं, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे भी आ जाते हैं। उन सब मुद्दों को ध्यान में रख करके एक विशेषज्ञ कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि आप निर्भया फंड का एक फंड बना दीजिए ताकि उस फंड का इम्प्लीमेंटेशन हो और एग्जीक्यूशन हो धीरे धीरे करके और आपका राज्यों तक वो पहुंचे और राज्यों से कैसे होना चाहिए नहीं सोचा था सर आपने? देखिए वो पूरी देखिए जो वो प्रणाली बनाई गई होगी, लेकिन चूंकि सत्ता इस वक्त हमारी नहीं है, पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मैं आपसे और मैं दूसरी बात, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता मैडम, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, हमसे कुछ गलती हुई होंगी तभी तो हम सत्ता से दूर हो गए। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक पार्टी का एक प्रतिनिधि होने के नाते स्वीकार करता हूं, हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी तभी तो हमें सत्ता से दूर किया गया है। 6 वर्षों से दूसरी पार्टी सत्ता में है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। साथ में मैं इस बात से अनामिका जी से और सभी से मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पे पुलिसिया जो हमारे रिफॉर्म्स हैं, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, साथ ही न्यायिक जो रिफॉर्म्स हैं, वो सारे ज्यूडिशरी और जो पुलिस के रिफॉर्म्स हैं, पिछले 6 वर्षों में सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो बनती थी, दिखावा मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, दिखावा आप चाहिए नहीं, देश जा चुका है, दिखावा नहीं चाहिए सर, दिखावा नहीं चाहिए, खासकर मेरी जैसी महिलाओं को दिखावा नहीं चाहिए। हमें स्पष्ट नजर आता है कौन सी पार्टी कब अपने फायदे के लिए बात कर रही है। क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी, मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी, होना क्या, नहीं नहीं आपसे गलती हुई, आप मानिए ना मानिए, राहुल लाल जो कह रहे हैं 2013 में फंड बना था, क्यों नहीं दूरदर्शी सोच रखी गई थी कि फंड का इस्तेमाल कैसे होगा? देखिए ना इतना तो 13 से लेकर 14 से लेकर 19 में आ गए, तब भी उसका फंड बना था, 14 सरकार बनी है, स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये जो पुलिस प्रणाली में आप जो चाह रहे रातों रात तब्दीली हो जाए, ऐसे मैजिक वैंड घुमाएं और पुलिस बिल्कुल संवेदनशील हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आगे तो पढ़े, ये आप लोगों को करना चाहिए, एक दूसरे के पाले में गेंद ना फेंकिए, शबीना जी बात आगे तो पढ़े, बिल्कुल पीछे ना आए। अब अशोक ठाकुर के लिए मैं चाहूंगी कि सब अपने क्लोजिंग कमेंट में ये बताएं कम से कम होना क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दिया, मुआवजा 99% जो नाबालिग रेप पीड़ित है उन तक नहीं पहुंच पाता है, तो होना क्या चाहिए? यहां एक बात, एक पॉजिटिव नोट आए जिसको अशोक जी को बताया जाए कि भाई आप ये कीजिए, बिल्कुल व्यवस्था। नहीं नहीं एक मिनट अशोक जी, शबीना जी से मैं क्लोजिंग कमेंट मैं आपके पास आखिरी में आऊंगी। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि गलती तो हुई है, गलती नहीं हुई होती तो निर्भया कांड नहीं होता, और आगे निर्भया कांड ना हो या आगे वाली सरकार, आने वाली सरकार को ये सोचना चाहिए। अब क्लोजिंग कमेंट्स ये है मेरा कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, और अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट भी कर देंगे तो उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा जिनको पता ही नहीं है, तो अवेयरनेस भी जरूरी है, उसके साथ इंप्लीमेंट जल्द से जल्द करें ताकि जो बच्चियां हैं उनको मुआवजा जल्द से जल्द मिले, ताकि वो आगे के अपने प्रोसीजर देख कर सकें और उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। डॉक्टर तोमर, इसका क्लोजिंग समाधान है, हमें समग्रता से इसका करना होगा, हम कार्यशालाएं आयोजित करें, महिला हम लोग करते भी रहते हैं, पर इसको और हम बढ़ाएं इसको, ताकि हम अवेयरनेस स्कूलों में सब जगह, छोटे छोटे जो कस्बे हैं गांव हैं उस लेवल तक हम इसको गली मोहल्लों में पहुंचा सकें। और एक ढांचा भी तैयार हो मैम, कि ढांचा भी तैयार हो। जी जी बिल्कुल, और चलिए की बात है सर, सर निर्भया की कमी है, प्रियंका जी भी बनना चाहिए, प्रियंका जी बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, नोट डाउन किया गया, अच्छी बात है, तो नोट डाउन होगा सर। प्रियंका जी क्लोजिंग कमेंट शॉर्ट, बलात्कार जो है वो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना है, और अगर मानसिक प्रताड़ना है तो उसके लिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है, हमारी सरकार क्या वो प्रोवाइड करती है? नहीं। दूसरा आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिहैबिलिटेट करने की बहुत आवश्यकता है, सरकार को ये सोचना पड़ेगा हमने क्या किया, फंड का सही इस्तेमाल होना,
आप सीसीटीवी कैमरास की बात हुई थी, आज तक कोई सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, खौफ नहीं मतलब है। एक साथ चलना चाहिए, सुरक्षा के लिए नियम भी बनाए जाएं, उसका पालन हो रहा है कि नहीं। जल्दी से अनामिका जी क्लोजिंग करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी पुलिस जो चार्जशीट दायर करे वो इसमें शीघ्र अतिशीघ्र करे। मैं एक इंसिडेंट का यूपी में औरिया में उसमें 15 डेज के अंदर पुलिस ने चार्जशीट 7 डे के अंदर किया, 15 डे के अंदर अक्यूज को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया। क्यों? तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए राहुल लाल जी, पुलिस को डायरेक्शन मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब तक कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति राजनीतिक दल नहीं दिखाएंगे ये समस्याएं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन और डिबेट करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये इनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखें और संवेदनशीलता के साथ रखें, साथ ही साथ जो पुलिस के मामले के सुधार दिए जा रहे हैं और जो न्यायपालिका का, चूंकि एक ज्वलंत उदाहरण होना चाहिए लोगों के सामने, उदाहरण होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल जो अनामिका जी ने दिया मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर पुलिस एक्टिव होती है और चार्जशीट जल्दी दायर होती है और चार्जशीट में 15 दिन सबूत होते हैं तो ऐसे में फैसला लेने में भी सरकार के लिए कि आप कदम उठाइए सर, वेट मत कीजिए, निर्भया कांड दोबारा से हो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए सख्ती कानून की तरफ से तो दिखे ही दिखे, आपकी तरफ से भी दिखनी चाहिए। आप सभी गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पे एंड करना चाहूंगी कि केसेस आते हैं और जब केसेस ऐसे सामने आते हैं तभी जो है समाज हमारा जागरूक होता है। जागरूक अगर समाज हो जाए तो वाकई में पहले तो इस तरह के केसेस ही ना हो, लेकिन अगर हो रहे हैं तो कानून है, कानून का सख्ती से पालन हो। और जो पॉइंट्स आज हमारे गेस्ट ने बताए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर इन पॉइंट्स पर काम कर लेना तो हम अगली बार बैठकर इस तरह की डिबेट करते नजर नहीं आएंगे। फिलहाल इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप सभी को छोड़ती हूं, मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।